प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की मुरादाबाद जिला इकाई ने संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना दिया एवं धरने के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी अनुज सिंह को 22 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया गया। कलेक्ट्रेट के मुशारा ग्राउंड में आयोजित धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण ने की एवं सफल संचालन महासचिव अभिषेक सिंह ने किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 22 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने, कलेक्ट्रेट कार्यालय को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कर्मियों का वेतन उच्चीकृत करने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2011 पूर्ववत लागू करने, लेखा का कार्य संपादित करने वाले पटल सहायकों को लेखा संवर्ग का वेतन मान दिए जाने, नवसर्जित जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नवसर्जित तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किए जाने, भूलेख लिपिक का पद पूर्व की भांति कलेक्ट्रेट में वापस किए जाने एवं कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित किए जाने की मांगे शामिल है, जिन्हें लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा समय समय पर उजागर किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। वक्ताओं ने कहा कि शासन का सबका साथ सबका विकास का नारा कर्मचारियों के प्रति खोखला साबित हो रहा है। जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि 17 सितंबर तक मांगों का सम्मानजनक निस्तारण नहीं होता है तो 18 सितंबर को गांधी प्रतिमा हजरतगंज लखनऊ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण ने बताया कि इस दौरान अनुराग, अमरजीत, हरकेश, अनिल कुमार, त्रिदेव, दुर्दाना परवीन, अतुल वर्मा, संजय कुमार, सुरेंद्र शर्मा, रोहित, फराज, संजीव कुमार एवं सचिन सहित भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। ये एक दिवसीय धरना उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ पूरे प्रांत में प्रत्येक जिलाधिकारी को अपनी 22 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना दे रहा है। आज हमने धरना दिया, सरकार को आगाह किया कि एक इलेक्शन भारी पड़ गया है, कर्मचारियों की नाराज़गी ज़्यादा मोल लेना उचित नहीं है। ये 22 सूत्रीय मांगें दी गई, इसमें हमारी पुरानी पेंशन की मांग सबसे प्रबल है, उसके बाद हमारे नायब प्रधान पद पर प्रमोशंस, हमारे ग्रेड पेस, इस कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय बनाना। हम सब जानते हैं कि कलेक्ट्रेट के लोग कितना काम करते हैं, सचिवालय स्तर का सारा कार्य जनपद स्तर पर इस कलेक्ट्रेट के माध्यम से होता है, और हम ये चाहते हैं कि इस कलेक्ट्रेट को भी मिनी सचिवालय घोषित किया जाए, हमको वह दर्जा प्राप्त हो जो सचिवालय में सचिवालय के कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इसलिए आज ये धरना दिया और ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, और इस संदेश के साथ भेजा है कि कर्मचारी नाराज़ हैं, 40% पद रिक्त हैं, एक एक कर्मचारी दो दो तीन तीन पदों का कार्य देख रहा है, इस कलेक्ट्रेट में मृतक आश्रितों की संख्या बढ़ती जा रही है, कृपया इस ओर ध्यान दें, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आगे और मुश्किलात हमें भी सामना करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।